अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। योगी जी सीएम बने हैं, बहुत अंतर। 100 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए तैयार है, एकदम तैयार है। 100 का 110, बिना पैसे का आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो कहां से आ रहा है? ये जान लीजिए, फिर से ही सरकार बीजेपी की ही आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और अपनी चुनाव की यात्रा में इस समय हम पहुंचे हैं उस जगह जो कि बीजेपी के सत्ता का हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है और इसी के रास्ते भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीति की शुरुआत की और इस वक्त जो सरकार बनी हुई है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, उसका रास्ता कहीं ना कहीं इस रास्ते से होके गुजरा है। हम हैं इस वक्त अयोध्या में और लोगों के जहन में क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग हैं, क्या नाम है आपका? राजेश पांडे। क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे पुजारी है। ये बताइए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई क्या बदला है अयोध्या में? अरे अयोध्या बहुत दिव्य महोत्सव बहुत बढ़िया हो रहा है, और सड़क बढ़िया बन रहा है, सफाई वगैरह हो रहा है, सब बढ़िया, सब काम अच्छा हो रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति है, आप लोग ही देखते होंगे, अखिलेश यादव का कैंपेन आपको कैसा लग रहा है, किसके जीतने के चांसेस लग रहे हैं आपको? चांस तो योगी जी के लग रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि महंगाई की वजह से? महंगाई भी होता है तो काम भी तो होता है, पाने देश का काम तो होता है, महंगाई से क्या मतलब है, काम तो कर रहे हैं जी। महंगाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है अयोध्या के लोगों को, काम कर रहे हैं। इधर हम आपको और लोगों से मिलवाते हैं, क्योंकि क्या है कि अयोध्या की जो गलियां हैं वो देखिए, यहाँ पे इस गली के अंदर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जाते हैं निकलते रहते हैं। क्या लगता है अयोध्या में क्या बदला है इस सरकार के आने से? अयोध्या बहुत कुछ बदला है। ठीक है, बहुत कुछ बदला है, काफ़ी भीड़ लग जा रही है, हम कोशिश करेंगे कि भीड़ जो है वो जाती रहे और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हम गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आ रहे हैं, पहली बार आए हैं कि आते नहीं? नहीं, कितना बार आए हैं? तो ये बताइए कि जब आप पहले आते थे और अब में क्या अयोध्या में? बहुत बदलाव, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है जब से योगी जी सीएम बने हैं। बहुत अंतर है। क्या कुछ बताइए क्या? अरे बहुत अंतर है, देखते हैं कितना रंगीन है, सफाई से लेकर हर चीज। अखिलेश यादव का जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है योगी के ऊपर, वो उनको बोलते हैं कि उनको लैपटॉप चलाने नहीं आता है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, जो बरसता है वो गरजता नहीं है। किसके जीतने के चांसेस लग रहे हैं? योगी जी के जीतने का चांस। जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ। योगी जी जिंदाबाद। योगी जी जो है कि जिंदाबाद रहेंगे। अखिलेश यादव को कुछ मैसेज देना? अरे उनकी क्या मैसेज है जब जीते का ही नहीं? जो मैसेज है, जो लोग अपने पार्टी से जो दंगाइयों को अपराधियों को जो है भाग रहे हैं इस पार्टी से, कि जो इसमें जो है कमा नहीं पा रहे हैं वही लोग इस पार्टी से भाग जा रहे हैं। पार्टी से लोग छोड़ के गए, बीजेपी से छोड़ के जा रहे हैं, वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं इस नाते उसमें जा रहे हैं, उसमें जाएंगे पैसा कमाने को मिलेगा। एक एक करके बोलिए। अच्छा ये बताइए, जो आप कह रहे हैं महंगाई आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, कोई सरकार रहेगी तो महंगाई तो आना ही आना है। ये बताइए, लॉकडाउन चल रहा है सारा देश का, उनको देखना है तो महंगाई तो होगा ही होगा। 100 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए तैयार है? एकदम तैयार है। 100 का 110, बिना पैसे का आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? उसके जो लेबर मजदूरी कर रहे थे, जो मजदूरी लेबर कर रहे थे उनका 200 था, या जो 400 रुपया ले रहे हैं वो नहीं महंगाई है? उनको नहीं देखना चाहिए कि हमको कहा 400 मिल रहा है, उनको 200 लेना चाहिए, तब मांगते हैं कि महंगाई है। अच्छा आप जिस तरीके से बोल रहे हैं जी, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप लोग भक्त हैं इसका, इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं, जो काम जो कर रहा है उसके प्रति हम लोग हैं, अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा हो रहा है, तीसरा हम लोग उनके साथ हैं, होना चाहिए जनता। आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि जगह जगह हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज ये दे रहे हैं, पहले ये सुविधाएं नहीं थी, जगह जगह सड़कें बन रही हैं, और भी ये क्या नाम है, बिजली की व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो है, पहले जो है हम लोग गैस के लिए लाइन लगा के गैस मिलता थे। ठीक है, जितना चाहिए गैस ले जाइए। बहुत तो ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों का मूड है यहाँ पे, और योगी आदित्यनाथ को समर्थन कर रहे हैं कुछ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी यहाँ प्रसाद की दुकान रहती है और वो तमाम लोगों से मिलते रहते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा सोनू सोनी नाम है। आप कितने साल से यहाँ पे आपकी दुकान है? दुकान तो बहुत वर्षों से आ रही है, सब लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरह का बदलाव हुआ है, क्या लगता है इस बार चुनाव में उसका असर दिखेगा? बदलाव तो बहुत हुआ है योगी सरकार में, और बदलाव भी बढ़िया
आएगा भी जान लीजिए फिर से ही सरकार बीजेपी की ही आएगी। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ क्या कुछ भी नहीं समस्या थी? कुछ बहुत समस्या थी और उसके बाद लाइट भी नहीं आती थी, लाइट भी चली जाती थी। अब तो सब लाइट वाइट सब आ रही है और जब से योगी सरकार आई है जब से बहुत बदलाव आ गया। महंगाई पहले ये बताइए प्रसाद जो आप देख रहे हैं कितने रुपए किलो था? पहले 40-50 रुपए बिकता था, अभी कितने में देते हैं? अब 200 रुपया किलो डालडा का लड्डू है, रिफाइंड का है और देसी का लड्डू 400 रुपया। पहले कितने रुपए किलो था? पहले था 160 रुपया। तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है आपको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, कुछ नहीं पहुंचाएगा। आप तैयार है महंगाई झेलने के लिए? तो देखिए क्या है कि महंगाई अयोध्या में जब आप आते हैं तो कोई मुद्दा नहीं रह जाता है क्योंकि ये आस्था का केंद्र है बहुत बड़ा और राम मंदिर का इशू जो है वो लगातार इस देश की राजनीति को अपनी ओर खींचता रहा है और ये बीजेपी का शुरू से राम मंदिर पे ये उनका मुद्दा था। आप याद करिए जिस तरीके से रथ यात्रा निकली उसके बाद से ये बीजेपी के लिए एक क्या इस बार चुनाव में हर पिछले चुनाव में भी उनको इससे वोट मिला था, क्या ये चुनाव जो इस बार मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ है, सरकार ये बोल रही है कि भव्य मंदिर बनने का निर्माण शुरू है, देखना होगा कि क्या ये मंदिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाता है कि नहीं लाता है।